सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक। अगर आप मेडिकल स्टोर चलाते हैं तो सावधान हो जाइए, आपके मेडिकल स्टोर पर कभी भी चंडीगढ़ से ड्रग इंस्पेक्टर की टीम का छापा पड़ सकता है। लेकिन जरा रुकिए, घबराने की जरूरत नहीं है, हिम्मत से काम ले, क्योंकि ये टीम नकली है जो कि कार्रवाई के नाम पर पैसा ऐंठने का काम करती है। इस गिरोह में 6 सदस्य हैं, जिनमें एक नकली पत्रकार साहब भी हैं। खुशी की बात तो ये है कि इस गिरोह के 5 सदस्य पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं और 1 सदस्य फिलहाल अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा है। पुलिस गिरफ्त में नजर आ रहे ये आरोपी सेक्टर 3 ढिल्लो मेडिकल स्टोर पर पहुंचे और दवाइयों से संबंधित बातें करने लगे और फिर कार्रवाई की धमकी देनी शुरू कर दी। इस गिरोह के साथ एक नकली पत्रकार जनाब भी थे और फिर शुरू हुई पैसे की मांग और साहब से मिलने की बात की, जिस पर मेडिकल स्टोर मालिक को शक हुआ। उसने पुलिस को शिकायत की, जिस पर पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल संचालक हूँ, 14 तारीख की बात है, 2 बजे के करीब ये 6 लोगों की एक फ्रॉड टीम, जिसमें एक त्रिपाठी है, वो अपने आप को DI ऑफिस का साहब बताता है, दूसरा 2 लड़के हैं, एक सरदार जी है और एक अभी मतलब जो आया नहीं, वो कह रहे हैं कि बीमार हो गया, अचानक एडमिट है, जिसका नाम वेद प्रकाश, जो SSF से अपने को बताने का जिसने काम किया। कैमरामैन भी है, कोई कैमरा चलाता है। कैमरामैन और उसको पत्रकार बताया गया है, जबकि उसके बाद एक जो और जो लड़के हैं उनको बताया गया कि हम चंडीगढ़ फार्मेसी काउंसिल से आए हैं। तो उस हड़बड़ाहट में जैसे लास्ट में इन्होंने, मैं कैश तो इनसे बार बार पूछ रहा था, इंट्रोडक्शन लेने की कोशिश कर रहा था, मेरे को डाउट तब हुआ जब इन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया अपने आप को, जो कि हमने अपनी सारी इंट्रोडक्शन दे दी। मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ, मेरे से मतलब बहस की जा रही है कि आप मतलब जो ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे कैसी मेडिसिन दे सकते हैं। मैं इनको पूछ रहा हूँ कि एज ए फार्मासिस्ट मैं डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे मेडिसिन मतलब जो डिलीवरी है, मेरा अपना काम है, देना पड़ेगा। जो लोग एक दो लोग जो एज ए लेबर रखे जाते हैं, उनका काम होता है कि मेडिसिन को साफ सफाई रखो, मेडिसिन को उठा के काउंटर तक ले आओ, ठीक है। अब 2 मिनट के लिए अगर या मतलब 10 सेकंड के लिए बंदा अगर बाहर चला जाता है तो उसमें ये बोला जाता है कि नहीं, एक शॉप के अंदर न तो बाथरूम है न कोई वॉशरूम है, तो क्या मतलब जो एक फार्मासिस्ट अंदर ही मतलब बाथरूम करेगा। वही जांच अधिकारी ने बताया कि इस गिरोह के सदस्य चंडीगढ़ ड्रग ऑफिसर के आने का हवाला देते हैं और फिर इंस्पेक्टर बनकर मेडिकल दुकानों पर पैसे ऐंठने का काम करते हैं, जिन्हें फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये रंजीत सिंह मार्केट है, सेक्टर 3 बल्लभगढ़ के सामने, और उसमें एक ढिल्लो मेडिकल स्टोर है, उसका मालिक जगजीत सिंह है। उसके यहाँ पे कुछ ड्रग इंस्पेक्टर और पत्रकार, अपने आप पे वो पत्रकार बता रहे थे और ड्रग इंस्पेक्टर एक चंडीगढ़ की टीम बताकर उन्होंने उसका लाइसेंस वगैरह चेक किए और उनसे पैसे की मांग की। कितने लोग थे सर? इसमें टोटल 6 लोग थे। ड्रग्स इंस्पेक्टर था कोई या फिर वैसे ही? इसमें ड्रग इंस्पेक्टर कोई नहीं था जी। एक ESI हॉस्पिटल का दीपक त्रिपाठी नाम का फार्मेसिस्ट है और बाकी 2 और जो चंडीगढ़ के बता रहे वो भी फार्मेसिस्ट हैं और 2 इसमें पत्रकार बता रहे हैं अपने आप को। कौन है, क्या नाम है उनके? पत्रकार एक इंद्रजीत बताता है और एक आजाद। इनसे कोई आई कार्ड वगैरह किसी तरह का कोई कुछ पता हमारे को किसी प्रकार का कोई पेश नहीं किया है। कौन सी संस्था से थे ये भी पता नहीं पड़ पाया। पुलिस ने इस गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि 1 सदस्य अभी फिलहाल गिरफ्त से बाहर है, जिसके लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और जगह जगह दबिश दे रही है। तो ऐसे नकली इंस्पेक्टर और नकली पत्रकारों से आप भी सावधान हो जाइए और यही हमारा मकसद है। फैदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।